संवैधानिक प्रोविजन है और इसमें केंद्र सरकार को ही लाना चाहिए और यूनिफॉर्म माने सभी स्टेट में लाना चाहिए। एक ही स्टेट क्यों इसको इनिशिएटिव कर रहा है, क्योंकि एक स्टेट का बात इसमें नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑल ओवर इंडिया लागू होगा। संवैधानिक प्रोविजन है, केंद्र सरकार नहीं लाती है, वो अपना किसी किसी से कहलवाती है, ऐसे ठीक नहीं है। किस स्टेट का इलेक्शन है उसके पहले हमें क्या एजेंडा तय करना है, किस तरीके से हिंदू करके दलितों पिछड़ों के वोटों को किस लिए पोलराइजेशन करके किस तरीके से वोट लेना है, केवल इनका एजेंडा बिल्कुल सेट। इनको देश लगातार निजीकरण की तरफ जा रहा है, देश बेचने का काम कर रहा है, लगातार देश के अंदर दंगे कराने की जगह जगह कोशिश की जा रही है। लेकिन परेशानी सिर्फ इस बात का है कि ये मौका देख के लाया जाता है, कभी कभी लाया जाता है और फिर उस पर काम भी नहीं होता है, उसको फिर मौका निकल जाने के बाद ठप कर देता है। तो इस पर लाइए, किसने रोका, किसने आपको, किसी ने नहीं रोका है। तो कभी कमेटी बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, बस दिखावा करते हैं और उसको बनाते हैं नहीं। जिस आर्टिकल के अंदर ये हिंदू मुस्लिम कर सके, ऐसे मुद्दों को लाते हैं, ऐसे फिल्मों की बात करते हैं, ऐसे कहानियों की बात करते हैं, ऐसे एजेंडे की बात करते हैं जिससे देश में दंगे हो, देश के अंदर चर्चा का विषय बना रहे, लोग महंगाई की तरफ ना देखें, लोग शिक्षा की तरफ ना देखें, लोग सरकार से सवाल ना करें, ऐसा लगे कि देश पे खतरा है। कि जो सिविल कोड बनाया जा रहा है उसका मसौदा जनता के सामने पहले लाया जाए कि वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, उसको बिल्कुल क्लियरिटी उसके अंदर होनी चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज, देश की आवाज बुलंद आवाज। कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने का कैबिनेट में फैसला किया गया है। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है और इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारी स्टूडियो में मौजूद है आरएस चौहान जी जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, आरएस यादव जी जो वीआईपी पार्टी के नेता हैं और सुनीता चौहान जी जो रिटायर्ड लेक्चरर हैं। तो सर आप सभी का, मैडम आपका भी सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो सबसे पहले चौहान सर आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की क्या मंशा है, जिस प्रकार से केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो क्यों ना इसे डायरेक्ट केंद्र सरकार लागू करे, ऐसा क्यों नहीं किया? जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का, ये इम्पोर्टेंट इशू उठाए हैं। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है साहब, संवैधानिक प्रोविजन है और प्रोविजन को बहुत दिन हो गया है, कोई आज का तो है नहीं, बहुत पुराना है, लेकिन लागू नहीं करते। लागू करना हो कोई ड्राफ्ट लाए सामने लाए, लेकिन कभी कभी मौका देख के इस इशू को उठाते हैं, मौका इलेक्शन का हो या और कोई बड़ा इशू होने वाला हो, महंगाई का हो या तेल के दाम बढ़ने वाले हैं या और कुछ होगा, या पर्टिकुलर सिलेक्टिव करते हैं मुद्दे को। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो लाइए ना, किसने रोका है, आप पार्लियामेंट में ड्राफ्ट बिल लाइए और इसको कंसेंसस करिए और पास करवाइए। तो इसका जो स्पिरिट है वो अच्छा है कि मैरिज, डाइवोर्स और इनहेरिटेंस का बात है, सक्सेशन का बात है और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए अगर किया जा रहा है तो अच्छा बात है, इससे किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। लेकिन परेशानी सिर्फ इस बात का है कि ये मौका देख के लाया जाता है, कभी कभी लाया जाता है और फिर उस पर काम भी नहीं होता है, उसको फिर मौका निकल जाने के बाद ठप कर देता है। तो इस पर लाइए, किसने रोका, किसने आपको, किसी ने नहीं रोका है। तो कभी कमेटी बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, बस दिखावा करते हैं और उसको बनाते हैं नहीं। तो वुमेन का जहां तक बात है, ये खाली एम्पावरमेंट का बात है, डिग्निटी का भी बात है, इसमें दूसरे जो इश्यूज हैं उनको दबा देते हैं। शिक्षा, वुमेन की शिक्षा की कौन बात करेगा, बाकी सब लोगों की शिक्षा की क्या बात करेगा, टीचर्स नहीं है, 1 लाख स्कूलों में तो एक ही टीचर है और बाकियों में जहाँ 2 है वो एक अनपढ़ है, तो शिक्षा को एकदम से खत्म किया जा रहा है। अब वुमेन का जो एम्पावरमेंट उसकी डिग्निटी के बिना हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो जो लोग अपनी औरतों का जो कहाँ ध्यान रखे, जो दूसरों के औरतों के लिए करता है,
और दूसरों का टारगेट दूसरा होता है, टारगेट इसमें टारगेट ग्रुप होता है। तो क्योंकि टारगेट ग्रुप इसलिए है कि पॉलिटिक्स करना है, पोलराइजेशन करना है, वोट लेना है। पॉलिटिशियंस वो कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं है, उनका सिर्फ इलेक्शन तक का पर्सपेक्टिव होता है। लीडर्स का जो होता है वो बड़ा पर्सपेक्टिव होता है। तो ये पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है और कुछ नहीं है, इसमें कार्रवाई तो होता नहीं है, सिर्फ मुद्दा उठाया जाता है। तो इसको बना दीजिए, किसने रोका, मौका है बना दीजिए, आपको सब कुछ है, लेकिन बनाते नहीं है। और इसके जो अपोज करने वाले लोग हैं, मैं तो उनको भी कहूंगा कि वो भी अपना स्टैंड को क्लियर करें। और इसको क्यों अपोज करते हैं, संवैधानिक प्रोविजन है, इनहेरिटेंस का बात है, तो उसमें क्या है, सक्सेशन में आप अधिकार दीजिए उनको, लेडीज को। तो वो भी अजीब लोग हैं, जो मैं तो ये कहूंगा कि अपोज करने वाले भी लगता है षड्यंत्र में शामिल होते हैं, कुछ ऐसा लगता है, नहीं तो बिना बात क्यों उसको करते हैं अपोज करने का वाली बात। जी सर, दोबारा आएंगे आपके पास। आर एस यादव जी से जान लेते हैं, क्या लगता है सर, इस प्रकार से अभी 7-8 महीने बाद अन्य प्रदेशों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे द कश्मीर फाइल है और भी तमाम हिजाब का मामला हुआ, ऐसे ही चुनाव के टाइम तक खींचते खींचते इसको हाईलाइट करके इसको एक मुद्दा बनाया जाए, देश की जनता से बेरोजगारी और जो महंगाई है उससे ध्यान भटकाने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इनके इनकी जो सोच है, इनकी जो सोच है वो कोई विकास का कार्य नहीं करना, कोई शिक्षा पे कार्य नहीं करना, किसी को ना तो महिला सशक्तिकरण की बात इनके अंदर है, ना कभी किया है ना करेंगे, बस केवल इलेक्शन, इलेक्शन कब किस स्टेट का इलेक्शन है उसके पहले हमें क्या एजेंडा तय करना है, किस तरीके से हिंदू करके दलितों पिछड़ों के वोटों को किस लिए पोलराइजेशन करके किस तरीके से वोट लेना है, केवल इनका एजेंडा बिल्कुल सेट है। इनको देश लगातार निजीकरण की तरफ जा रहा है, देश बेचने का काम कर रहे, लगातार देश के अंदर दंगे कराने की जगह जगह कोशिश की जा रही है। अभी कश्मीर फाइल्स को लेकर के देश में तमाम देख रहे हो कि बहुत सारे रुझान आने लगे कि लोग एक दूसरे पर तलवारें लेकर के मारने को चढ़ रहे हैं, तमाम इन सब चीजों को लेकर डिबेट नहीं होती, इन सब चीजों को लेकर के ना तो बड़े चैनलों पे जगह मिलती है ना तो न्यूज़पेपरों पे जगह मिलती है। आज देश के अंदर स्थिति ऐसी हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर ऐसा लोग कहने लगे हैं, चौक चौराहे पर कहने लगे हैं कि देश के अंदर एक बड़ा दंगा होने की स्थिति पैदा हो रही है, लोग डर रहे हैं भय के अंदर और मजबूर हो गए हैं लोग कि किस तरीके से क्या किया जाए। लेकिन आज दलित समाज, पिछड़े समाज की जो स्थिति है, उस स्थिति के समाज शिक्षित तो हो गया है, जागरूक तो हो गया है, लेकिन सामाजिक रूप से जागरूक नहीं हो पाया। सामाजिक रूप से जागरूक करने की जरूरत है, जिस दिन वो सामाजिक रूप से जागरूक हो जाएगा उस दिन शिक्षा पे बात करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपके हक अधिकार पे बात करना शुरू कर देंगे। आज जाति जनगणना की बात कराने से डरते हैं, मंडल कमीशन लागू करने से डरते हैं, उस आर्टिकल की बात नहीं करेंगे, ये आर्टिकल ऐसे आर्टिकल की बात करेंगे जिस आर्टिकल के अंदर मुसलमानों का कुछ इंटरफेयर होगा, जिस आर्टिकल के अंदर ये हिंदू मुस्लिम कर सके, ऐसे मुद्दों को लाते हैं, ऐसे फिल्मों की बात करते हैं, ऐसे कहानियों की बात करते हैं, ऐसे एजेंडे की बात करते हैं जिससे देश में दंगे हों, देश के अंदर चर्चा का विषय बना रहे, लोग महंगाई की तरफ ना देखें, लोग शिक्षा की तरफ ना देखें, लोग सरकार से सवाल ना करें, ऐसा लगे कि देश पे खतरा है। जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जिस स्टेट में सरकार है, जो मुख्यमंत्री कह रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हकीकत यही है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर देख लीजिए, ठीक है सरकार बनती है लेकिन जनमत, मैं कहता हूँ कि ठीक है लोगों की अशिक्षा है, लोगों की अशिक्षा है, लोग अवेयर नहीं है, आपकी चीजों से लोग अवेयर नहीं है, उनको ये नहीं पता दलित समाज के, पिछड़े समाज के, आदिवासी समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ये नहीं पता कि ये सरकार ने हमारे संविधान को, हमारे हक अधिकारों को ये हमको तोड़ा है, हमको दिया है, हमें कुछ दिया है कि नहीं दिया है। लोगों की उन मूलभूत समस्याओं की तरफ सरकार ने दिखाया है कि देखो हम तुम्हें नमक दे रहे हैं, हम तुम्हें चावल दे रहे हैं, हम तुम्हें कुछ चंद पैसे तुम्हारे अकाउंट में दे रहे हैं, बाकी तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाने देंगे, तुम्हें प्रोफेसर नहीं बनने देंगे, उसके लिए तुम्हारे लिए एक तलवार लाया हूँ, 30-point रोस्टर लाया हूँ, तुम्हें किसी कीमत पर यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं घुसने देंगे, तुम्हारे बच्चे इलाहाबाद में पढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं, दिल्ली में तैयारी करना शुरू की यूपीएससी की,
लेकिन तुम तैयारी करते रहो, उसके पहले हम जो है चोर दरवाजे से, चोर दरवाजे से लेटरल एंट्री के जरिए हम जो है डायरेक्ट जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठा देंगे। इनकी साजिश जो है समझनी पड़ेगी, पूरे देश के दलित समाज को समझना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोगों को, जागरूक लोगों को समझना पड़ेगा। ये सरकार पूरी तरीके से देश को तोड़ना चाहती है। यहाँ पर इस देश की एक खूबसूरती थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे का देश था, यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, आज भी रह रहे लोग, लेकिन चाहती है कि आपस में लोग नफरत करें, केवल लोग मुसलमानों को टारगेट करें और हिंदू के नाम पर वोट लें, लेकिन उनको हक न देना पड़े, उनके अधिकार न देने पड़े। ये पूरी तरीके से जागरूक हो चुका है और हम सब चाहते हैं कि आने वाले जो इलेक्शन के अंदर आने वाले हैं देश के दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक समाज को यूनाइट होना चाहिए और सरकार से सवाल करना चाहिए, महंगाई पे सवाल करना चाहिए, शिक्षा पे सवाल करना चाहिए, अपने हक अधिकारों को लेकर सवाल करना चाहिए। जिस दिन हक अधिकारों को सवाल करना शुरू कर दोगे, जिस दिन आप सड़कों पर आना शुरू कर दोगे, जिस दिन सवाल करना शुरू कर दोगे, उस दिन अत्याचार आपको बंद होगा। ये जो कानून है, जो ये चीज दिखावा है, इनको कुछ करना नहीं है, इन महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना है। ये सरकार ने ही नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों पर कितना अत्याचार हुआ, बेटियों पर कितना जुल्म हुआ, बेटियों के ऊपर क्या नहीं हुआ, बेटियों को यूनिवर्सिटी में इन्होंने मारा, जेएनयू के अंदर यूनिवर्सिटी में मारा इन्होंने, किस तरीके से हॉस्टल के अंदर घुस के मारा, बच्चियों को बाथरूम में जाकर छुपी तो वहां पर जाकर के इन लोगों ने मारा। ये बेटी बचाने वाले लोग हैं, ये बेटियों पे जगह जगह अत्याचार हो रहा है। अभी देखिए माताओं बहनों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, आप 10 दिन की खबरें देख लीजिए, आप 15 दिन की खबरें देख लीजिए, छोड़िए पुराना इतिहास, 10 से 15 दिन की उत्तर प्रदेश की खबरें देख लीजिए, लगातार दलित समाज की महिलाओं के साथ लाठियों से पीटा जा रहा है, महिलाएं सोशल मीडिया पर अपने कपड़े हटा करके दिखा रही है, आप बात कैसे करोगे। बड़ी शर्म की बात है, ये सरकार महिलाओं की नहीं है, ये सरकार दलितों की नहीं है, ये सरकार किसानों की नहीं है, लेकिन ठीक है, ये अपने साजिश में कामयाब है। आप अपनी इनकी साजिश को जो है आप खुलासा नहीं कर पा रहे हो। हमारे बहुसंख्यक समाज के जो नेता है वो लड़ नहीं पा रहे, वो बोल नहीं पा रहे, जो मुद्दे है मुद्दे पे बात नहीं कर पा रहे, उनको ये नहीं पता चल पा रहा कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, हमारा वोटर कौन है, हमारा समर्थक कौन है, हमारी पार्टी को खत्म करने वाले लोग कौन है। इनको जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उस दिन ये अपनी औकात में आ जाएंगे। बिल्कुल सर, दोबारा फिर आएंगे आपके पास में। सुनीता मैम क्या कहना चाहोगे, महिलाओं को इस बिल से क्या अंतर आएगा, क्या फायदा रहेगा या नुकसान होगा? धन्यवाद। पुष्कर सिंह धामी जी ने जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो इसके ऊपर एक मसौदा तैयार करने की बात करी है, उसमें मैं ये कहूंगी कि जो महिला सशक्तिकरण की बात उसके अंदर करी जा रही है, उसमें हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर बात की जा रही है, संपत्ति में अधिकार को लेकर बात करी जा रही है, तो महिला सशक्तिकरण करने के लिए सबसे पहले एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। और ये सरकार जो है, चाहे वो सेंटर की सरकार हो चाहे वो स्टेट की सरकार हो, इन मुद्दों के ऊपर बात ही नहीं करना चाहती। महिला सशक्त तब ही होगी जब उसके पास एजुकेशन होगी, उसके पास अच्छी हेल्प होगी, और जो ये एजेंडे जो है हमारी सरकारों के पास नहीं। हमारे बाबा साहब ने कहा था कि हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर अनेकता में एकता है। आप विभिन्न कल्चर से आते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, और सब मिलकर तब कहीं जाते हम भारत जैसे देश के गुलदस्ते में सजते हैं। हमारे देश में आर्टिकल 29 जो कि एक फंडामेंटल अधिकार है, उसमें हमें अपने सभ्यता को, अपने कल्चर को, अपनी भाषा को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है और बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। और इसमें मुझे अगर ये बहुत अच्छा मसौदा एक तैयार करते हैं तो मुझे लगता है कि ये इस चीज को बढ़ावा मिलेगा। हिंदू मैरिज जो अनडिवाइडेड भारत में जो अनडिवाइडेड फैमिली है उसमें टैक्सेशन के अंदर रिबेट दी जाती है, लेकिन क्या वो ये अधिकार समाज के अन्य समाज की महिलाओं को भी देंगे? क्या महिलाओं को संपत्ति में अधिकार प्रॉपर तरीके से मिलेगा? जी बिल्कुल मैम। हाँ, बाबा साहब ने कहा था कि ये जो है
वॉलेंट्री होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि सभी को एक साइज में फिट करने की बात करनी चाहिए, जो कि सही नहीं है। सबको आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति को बनाए रखने का, भाषा को सुरक्षित रखने का और अपने अधिकारों को पुरजोर तरीके से मांगने का पूरा पूरा अधिकार है जो हमें मिला है। बिल्कुल, थैंक यू मैम। अरिस्टोवान जी, सर आपसे पुनः जानना चाहेंगे, हमारे मन में एक सवाल है कि जिस प्रकार से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब टाइमिंग यही क्यों है? क्या मतलब जैसे अभी इस चुनाव से पहले, यूपी चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम हिजाब का मामला आया, तो क्या चुनाव की वजह से ही ये कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें टाइमिंग देखने वाला है। जो प्रोविजन है इससे किसी को ऐतराज, जो संवैधानिक प्रावधान है महिलाओं की सशक्तिकरण इनहेरिटेंस उनके अधिकार का बात है, उससे किसी को परेशानी नहीं है। लेकिन ये करते नहीं, किसने रोका है? सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें ड्राफ्ट बनाना चाहिए बढ़िया सा बिल और सबके सामने लाए, पटल पर रखें, पास करें, किसी ने रोका है? लेकिन उसमें महिलाओं के साथ और सारे भी मुद्दे हैं जो कि उनकी डिग्निटी से भी संबंधित हैं, तो वो सारा सोचना पड़ेगा। उसमें ये लाते नहीं है, ये मौका देख के लाते हैं और ये डाइवर्ट करने की टैक्टिक्स के रूप में यूज किया जा रहा है इतने दिनों से, अभी से थोड़े ही, संविधानिक प्रोविजन तो बहुत दिन से है, लेकिन लाते क्यों नहीं है? ये लाना नहीं है इनको, सिर्फ मुद्दे को भुनाना है और दूसरा का पोलराइजेशन करना है, हमको ये लगता है। और जो इसको अपोज कर रहे हैं जो लोग, वो अपोजिशन का भी हमें कोई खास उनमें वो नहीं लगता है कि खास कारण दिया जा रहा है, क्योंकि अभी ड्राफ्ट नहीं है का तो कारण भी क्या है, अलग अलग तरीके से दिया जा रहा है, उनका भी मिली भगत हो सकता है कैसे, इस देश में सब कुछ सम्मिलित है। क्योंकि जो इतनी सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं, अभी चुनाव का जैसे आपने बात किया, कई राज्यों में आगे आने वाले वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, तो ये पोलराइजेशन करने का चक्कर है और कुछ नहीं है। नहीं तो लाना है तो ला दीजिए इस बिल को, ले, ये किसने रोका है? संवैधानिक प्रोविजन को आप क्यों नहीं लाते हैं, क्यों हिचकते हैं? अब डिग्निटी का बात करते नहीं है, औरत के खिलाफ अत्याचारों की बात करते नहीं है, डिग्निटी के बिना उनका सशक्तिकरण कैसे होगा? अब ये जो जो लोग हैं जो औरतों के कपड़े के ऊपर बात करते हैं या कुछ करते हैं, अरे औरत को तो स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। इस देश में सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है तो औरतों के खिलाफ हुआ है, दुनिया में इतना कहीं नहीं हुआ है। पढ़ने का अधिकार किसने छीना औरतों से? और वो सती का विधवा विवाह नहीं करेगा और इतना नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, कोई अधिकार नहीं, तो अधिकार दीजिए, आपको किसने रोका है? आप देने में इतना देरी क्यों करते हैं? दीजिए इनहेरिटेंस का। अब जो हिंदू कोर्ट बिल था उसको पीस 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 मिल में लाके उसको कितना दिन लगाया, वो एकदम ठग से उसी दिन अगर पारित हो जाता बाबा साहब ने जब सबमिट किया था तो नहीं किया था। उसी चीजों को एक पीस 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 मिल में अभी तक जाके अभी मिला है, हिंदू लड़कियों को तो अधिकार अभी मिला है सक्सेशन में, तो मिल जाना चाहिए था तभी। बिल्कुल सर, हिंदू कोर्ट बिल लागू नहीं हुआ, नहीं किया तो इतना टाइम ये गेन करते हैं, मौका हिसाब से चूज करते हैं, ये दिक्कत ये है। ये संवैधानिक प्रोविजन है, इसमें केंद्र सरकार को ही लाना चाहिए और यूनिफॉर्म माने सभी स्टेट में लाना चाहिए। एक ही स्टेट क्यों इसको इनिशिएटिव कर रहा है? क्योंकि एक स्टेट का बात तो इसमें नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑल ओवर इंडिया लागू होगा। संवैधानिक प्रोविजन है, केंद्र सरकार नहीं लाती है, वो अपना किसी किसी से कहलवाती है, ऐसे ठीक नहीं है। तो ये जो स्टेट की सरकार है, यूं तो फिर हर सरकार स्टेट की सरकार अपना अलग अलग बनाएगी, अलग अलग ड्राफ्ट होगा, अलग अलग प्रोविजन होंगे, ऐसे नहीं। यूनिफॉर्म माने एक जैसा लाए और जो जो प्रोविजन है संवैधानिक प्रोविजन उसमें केंद्र सरकार लाए, बहुमत है, सब कुछ है, पास कराएं, जल्दी से कराएं, क्यों देर लगा रहे हैं इसमें? बिल्कुल सर, तो वो देर इसलिए लगा रहे हैं कि उनको मौके के हिसाब से इशू उठाना है, टाइमिंग फिक्स करना है, ताकि जो और दूसरे इश्यूज हैं वो डाइवर्ट रहे और इसी पे केंद्रित हो जाए। कारण ये है, और कोई कारण नहीं है। स्टेट को एक को बता दिया और वो डिबेट चलता रहेगा, और सेंटर इसको एक मिनट में, दो दिन में इसको खत्म कर सकता है, दो दिन में बिल पास कर सकते हैं, उनको क्या दिक्कत है? जी सर, थैंक यू। आर एस यादव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से बीजेपी
कोई नई चीज, कोई बिल, कोई नियम, कोई कुछ भी लेके आए बिना विवाद के आ जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, कभी नहीं हुआ आज तक के इतिहास में। बीजेपी तो विवाद चाहती है ना, तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि अभी तो ये मसौदा तैयार होगा तब पता चलेगा इससे लाभ होगा या हानि होगा। इस मसौदा को, इस ड्राफ्ट को धीरे धीरे चुनाव तक खींचने के बाद अगर कोई विरोध नहीं भी करे तो क्या बीजेपी ऐसा भी कर सकती है कि अपने ही कुछ लोग विरोध के लिए उसे हाईलाइट करने के लिए खड़ा कर दे? उनके एजेंडे सारे पहले से तैयार होते हैं, कुछ महिलाएं, मुस्लिम महिलाओं को उन्होंने लाके टीवी चैनल पर बैठाना है, उनको एक बात बता के दे देनी है तुम्हें बोलना क्या है, करना क्या है, किस तरीके से पिटीशन फाइल करना है, किस तरीके से सारा कुछ करना, सारी चीजें उनकी पहले से तैयार होती है। और देखो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, केंद्र के अंदर जब से सरकार आई है, ऐसा लगता है देश में कोई मुद्दे नहीं, ऐसा लगता है कि मुसलमान एक मुद्दा है, मुसलमान के दाढ़ी एक मुद्दा है, उसका कपड़ा एक मुद्दा है, हिजाब एक मुद्दा है, बुरका एक मुद्दा है, मतलब ऐसा लगता है कि देश के अंदर जितने भी डिफरेंट डिफरेंट मंत्रालय हैं या ऑफिसर्स हैं या देश की जनता है, ऐसा लगता है कि हम सभी को मुसलमानों के लिए ही कुछ सोचना है और करना है और उस पर ही बहस करनी है। तो ये एक बड़ी समस्या है देश के अंदर, लोगों को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके पास कोई मुद्दे नहीं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है महंगाई चरम सीमा पर गई है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, देश के अंदर निजीकरण हुआ है, सरकारी तंत्र बेचे गए हैं और दलितों पिछड़ों का अधिकार खत्म किए गए, मैंने पहले ही बोला उनके खत्म किए गए, लेकिन आज भी वो सामाजिक रूप से जागरूक नहीं है, इसलिए वो अपने एजेंडे में बात नहीं कर पा रहे। तो जो पिछड़े दलित समाज के, आदिवासी समाज के, बहुसंख्यक समाज के, जो अल्पसंख्यक समाज के नेता है, वो कहीं ना कहीं वो भी या तो अवेयर नहीं है या तो डरे हुए हैं, नहीं तो ये शायद सरकार, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार भी जो है ये भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनती, क्योंकि वो अपने लोगों से भी डरते हैं, अपने लोगों से घबराते हैं, उन्हें घबराना नहीं चाहिए, जो जागरूक लोग हैं, जो सतर्क रहना चाहिए, सतर्क है, उनको अपने पक्ष में लाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनको टिकट भी देना चाहिए। इन लोगों ने पूरी तरीके से, एक तरीके से देखा जाए आज अगर जो भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश के अंदर, अगर चाहे वो मुसलमानों पर अत्याचार कर रही, चाहे दलितों पर कर रही, चाहे पिछड़ों पर, चाहे हमारे हक अधिकार को लेकर, उसमें अगर कोई दोषी है तो नेता दोषी है जो सदन में बैठा है, चाहे विधानसभा में बैठा है, चाहे वो पार्टी बना करके, पॉलिटिकल पार्टी बना करके वो अध्यक्षता कर रहा है, उसकी लीडरशिप है, मैं गलती उसी की मानता हूं, क्योंकि जनता उसके पीछे, जनता को तो कुछ पता ही नहीं होता एक तरीके का देखा जाए, अपने लीडर के पीछे चलती है, अपने पार्टी के पीछे चलती है। तो मैं तो पूरे इलेक्शन में भी यही काम कहा कि मैंने जो दलित बस्ती थी, जो पिछड़े समाज के, अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, उनको ये बताया कि तुम्हें जो है ना अपने लीडर को छोड़ना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारी आवाज को कौन उठा सकता है, तुम्हें तहसीलों में न्याय कैसे मिलेगा, तुम्हें थानों में न्याय कैसे मिलेगा, तुम्हें तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे भाइयों की और तुम्हारे साथियों की, तुम्हारे गांव में हत्या कौन करता है, बहन बेटियों के साथ रेप कौन करता है, इस पर एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, बेटियां बचेंगी तभी तो पढ़ेंगी, बेटियां पढ़ेंगी तभी तो बोल पाएंगी, वहां तक तो तुम जाने नहीं दोगे उनको, वहां तक तो तुम पहुंचने नहीं दोगे उनको। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, ये केवल पोलराइजेशन का इनका चक्कर है कि किस तरीके से दलितों को वोट को, पिछड़ों को वोट को, केवल मुसलमानों को टारगेट करके ये इकट्ठा किया जाए, इनका एजेंडा वैसे चलने नहीं देंगे हम लोग, पूरी तरीके से हम लोग सड़कों पे आएंगे और उजागर करेंगे, पहले के पूरी तरीके से बिल सामने रखे, इसमें है क्या, बिल्कुल ये पता चलना चाहिए है क्या, वैसे इन्हें कुछ करना भी नहीं है, बताऊं इन्हें कुछ करना भी नहीं है, लेकिन इनको केवल एक टीवी पे, डिबेट पे, लोगों को पेपरों में, न्यूज पेपरों में, चौक चौराहे पे एक दिखाना है कि देखो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ कहर कर रही है, मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रही है, और मुसलमानों को मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने आरएसएस के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं, शायद इनसे ज्यादा दोस्ती मुसलमानों की किसी है भी नहीं, लेकिन जनता के बीच में रूमर फैलाना, उन पर अत्याचार कराना इनका एजेंडा है, सबसे ज्यादा किसी पे इस देश के अंदर शोषण हो रहा है तो आदिवासी, दलित समाज को हो रहा है, पिछड़े समाज को हो रहा है, मुसलमान तो इसमें देखा जाए तो केवल निशाना बना हुआ है, लेकिन अत्याचार उसके हक अधिकार के लिए हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है, इनको बदलने की जरूरत है, इन लोगों को सत्ता से हटाने की जरूरत है। आज मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो लोग हजारों सालों से अत्याचार किए, वही लोग आज महिलाओं की बात करें, जो महिलाओं को कोई शिक्षा
से वंचित रखना चाहते थे, पिछड़ों को कभी शिक्षित नहीं होना देना चाहते थे, दलितों पर अत्याचार करते थे, छुआछूत भेदभाव जातिवाद इतना ज्यादा इन लोगों के अंदर भरा पड़ा है। आज भी जाति के नाम पे बोझ रखने पे कभी राजस्थान में मार दिया जाता है, कभी यूपी में मार दिया जाता है, कभी घोड़ी चढ़ने पर मार दे। ये कौन लोग हैं? ये सरकार क्यों नहीं बताती है कौन लोग हैं, इनकी कौन सी जाति है, ये कौन से कपड़े पहनने वाले लोग हैं, ये कौन से तिलक लगाने वाले लोग हैं, ये कौन से कलर के लोग हैं, ये इनकी भाषा क्या है, इनकी जाति क्या है, इनको चिन्हित कब किया जाएगा? पूरे देश के अंदर एक बड़ी बारात को इन लोगों ने हत्या करके खत्म करा दिया, खेत खलियानों में हत्या किया है उन लोगों ने। ये अभी 5 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों नौजवानों की हत्या खेत खलियानों के अंदर हुई, इस पर सवाल नहीं करती सरकार। शिक्षा से वंचित रखने का काम कर रहे ये लोग पूरी तरीके से बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और हम दलित पिछड़े समाज को कहना चाहते हैं सड़कों पर आओ, इस पर आवाज उठाओ। ये अत्याचार अगर सहते रहोगे, ये लोग बाबा साहब के संविधान को खत्म करने वाले, मनुस्मृति के लागू करने वाले लोग सरकार में बैठ चुके हैं, इनके एजेंडे को समझिए। अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ो इनके एजेंडे को, इनको समझो इनके एजेंडे को। अगर नहीं हुआ अत्याचार आपके ऊपर, कम से कम पड़ोस में देख लो, प्रदेश में देख लो, गांव में देख लो। बिल्कुल सर, जागरूक होना पड़ेगा आप लोग। बिल्कुल सर, जो बहुसंख्यक समाज है उसको सतर्क रहने की जरूरत है। लास्ट में एक और मेहमान हमारे रिव्यू लेने के लिए बची है, सुनीता मैम आपसे लास्ट में पूछना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हिजाब का मुद्दा बनाया, हिजाब को अभी स्कूल में थोपा गया, कोर्ट में गए कि नहीं स्कूल में पहन के नहीं जाएंगे, तो इसी तरह का मतलब ये मुद्दा इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर निकालेंगे? इससे मैं ये कहना चाहूंगी, वैसे तो मेरे काबिल साथियों ने बहुत कुछ सब कुछ क्लियर कर दिया है, कुछ बचा नहीं है सिर्फ बताने के लिए, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो सिविल कोड बनाया जा रहा है उसका मसौदा जनता के सामने पहले लाया जाए कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, उसको बिल्कुल क्लियरिटी उसके अंदर होनी चाहिए। अदरवाइज ये जो हमारे फंडामेंटल राइट है, जो फंडामेंटल राइट में जो समानता का अधिकार है, राइट ऑफ इक्वलिटी है, उसका पूरी तरह से हनन माना जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू सर, आपका भी धन्यवाद इस प्रोग्राम में अपना मूल्य समय देने के लिए। साथियों, तो निश्चित तौर पर ये हमें समझने की जरूरत है, जो मसौदा तैयार होगा उसमें क्या ड्राफ्ट बनेगा, क्या कंटेंट रहेगा, ये जब मसौदा सामने आएगा तभी हमारे सामने आ पाएगा। फिलहाल आप सतर्क बने रहिए और देखते रहिए जनता आवाज। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलें। नमस्कार।